हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बच्चे की कैप बनाकर दिखाएंगे। ये हमने बच्चे की कैप बनाने के लिए फैब्रिक ले लिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाए जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कुछ नया। ये हमने फैब्रिक ले लिया, इसको हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया, अब हम एक बार इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमने ऐसे इसको फोर फोल्ड कर लिया है और जो ये हमारे दो हिस्से इस तरह से जुड़े हुए हैं और एक ये प्रॉपर हमारे यहाँ पर ऐसे जुड़ा हुआ, जो हमारे जुड़े हुए हिस्से हैं इस जुड़े हिस्से पर इसको ऐसे लेंगे। ये हम ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमने यहाँ पर कट वाला हिस्सा नहीं लेना है, प्रॉपर हमारा यहाँ पर जॉइंट वाला हिस्से लेने हैं। तो जॉइंट वाले हिस्से हमने इस तरह से एक बार ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए, ये हमारे सभी पीसेस इस तरह यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट होने चाहिए। इस पर निशान लगाएंगे जो हमारे बच्चे के हेड का मेजरमेंट होगा, क्योंकि हमारा ये राउंड में कटेगा। तो हम यहाँ पर ये 3.5 इंच निशान लगाएंगे, कट कर देंगे। देखिए, ये हमारा इस तरह हम यहाँ पर राउंड में काटेंगे इसको। देखिए, ये हमारा इस तरह यहाँ पर राउंड में आ गया है और यहाँ भी हम ऐसे 3.5 इंच पर ही निशान लगा लेंगे ऐसे। तो ये भी हमारा राउंड में कटेगा। ये हमारा हेड वाला हिस्सा आएगा, ये हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये हमने राउंड में नहीं कट करना है, ये हमने सीधे पट्टी निकालनी है। ये हम 4 इंच पर कट कर लेंगे। हमने ऐसे कट कर लिए पट्टी, ये हमारा ऐसे राउंड में इस पर ऐसे ये पट्टी लगेगी। अब हम इसकी सिलाई करना बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कुछ कपड़े जो कैप बनाने के लिए कट किए थे, ये हमने इस पर पेपर पेस्टिंग चिपका लिए। हम पेपर पेस्टिंग करके ये कैप बनाएंगे और इसी शेप में हमने ये दूसरा कपड़ा ले लिया है, क्योंकि हमने दोनों साइड कपड़े लगाने हैं। इसके ऊपर नीचे दोनों साइड कपड़े लगाने, कहीं भी से दोनों साइड से इसको डाल सकते हैं। सबसे पहले हम ये कपड़ा लेंगे जो हमने काटा था और इस पर हम ऐसे इसको जोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी कैप इस तरह बनेगी। हमने राउंड में ऐसे सिलाई लगा ली है। अब हमने जो ये पेपर पेस्टिंग की थी जो राउंड वाली, अब हम इसमें ऐसे करके और इसके चारों तरफ ऐसे सिलाई लगा देंगे। इस तरह ऐसे इसको जोड़ देंगे। देखिए, हमारी इस तरह के ऐसे कैप बन गई है। हमने ये दोनों ऐसे कैप बनाकर तैयार करनी है, क्योंकि हम इसको दोनों को इस तरह बनाएंगे, हम इसको किसी भी तरह पहन सकते हैं। इस यहाँ से भी और इस कलर से भी, दोनों फैब्रिक से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हमने जो ये कैप बनाई थी इसको उल्टा करेंगे और ये हमें सीधी रखनी है। जो अंदर की हमारी सीधी साइड और इसकी सीधी साइड हम इसके अंदर ऐसे डालेंगे। ये हमने जो अंदर वाली दोनों सीधी साइड ही रखनी है और ये ऊपर नीचे हमने उल्टी साइड रखनी है। अब हमने इसके चारों तरफ से ऐसे सिलाई लगा देनी है, इस तरह ऐसे जोड़ जोड़ कर। एक साइड से हमने थोड़ा ओपन छोड़ना है, क्योंकि हम इसको सीधा करेंगे। पर ऐसे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब हम इसको यहाँ से सीधा करेंगे और जो यहाँ पर ये ओपन साइड था इसको हम यहाँ पर बंद कर देंगे और इसी तरह पूरे राउंड पर ऐसे सिलाई लगा लेंगे किनारे किनारे, जिससे हमारी कैप बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पर आधा आधा पंजे का गैप छोड़कर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कैप बनकर तैयार हो गई है। मार्केट से भी सुंदर कैप घर पर ही बनकर तैयार हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ईजी है इसको बनाना। घर पर आप इसको जरूर ट्राई करना, आप इसको बना सकते हैं और अपने बेबी को खुश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।